तो आज हम ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद मिल रहे हैं, और हम इसलिए 2 वीक के बाद मिल रहे हैं क्योंकि आई गॉट रियली बिजी प्रीवियस केसेस को ख़त्म करने में, प्रीवियस बुकिंग्स जो थी उनको कंप्लीट करने में, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया शूट करने के लिए। बट जैसे ही टाइम मिला, सो टुडे आई एम हियर एक नए टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक है टू गेट योर लव बैक, टू गेट योर हस्बैंड एंड वाइफ बैक। क्या ये पॉसिबल है जो ये सब इंटरनेट में आजकल लिखा होता है कि अपने हस्बैंड को वापस पाइए, वाइफ को वापस पाइए, रिलेशनशिप को वापस पाइए थ्रू तंत्र, थ्रू कुछ ऐसे स्पेल्स हम बोलेंगे, कुछ मंत्र ऐसे बोलेंगे जिससे वो इंसान आपके पास वापस आ जाएगा जो चला गया आपकी लाइफ से। अब क्या ये सब सच है या ये सब सच नहीं है, आज हम इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो अब इस वीडियो का थीम, जो मेन थीम है, इसको स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इसका जवाब है कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस में जो गलत तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं कि ज़बरदस्ती किसी इंसान के माइंड को वशीकरण के थ्रू कैप्चर किया जाए और उसको अपनी लाइफ में लाया जाए, ये बिल्कुल बेकार और गलत प्रैक्टिसेस हैं, इसमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? बहुत जल्दी जल्दी मैं इस चीज़ को बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अपना सारा कार्मिक अकाउंट जो है, जो कर्मा का जो हमारा साइकिल है, उसको हम खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम किसी को आर्टिफिशियली एक गलत तरीके से, एक गलत तांत्रिक प्रैक्टिस से अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती पहली बात लाएं उसकी परमिशन के बिना। दूसरा, ये जितनी भी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, वो हमें ये परमिशन नहीं देती हैं। तंत्र में ये परमिशन नहीं है कि हम ये गलत काम करें, लेकिन आजकल कलयुग में ये सारे गलत काम हो रहे हैं। क्यों? पैसे की वजह से हो रहे हैं, पैसा लेने के लिए, कमाने के लिए गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं। जो खराब तांत्रिक लोग हैं जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्होंने इंटरनेट पे अपना लव वापस पाइए, अपना हस्बैंड वापस पाइए, वाइफ वापस पाइए, रिलेशनशिप को अच्छा करिए, ये सब चीज़ें डाल रखी हैं, जो कि क्या है, उनको तो कोई इसमें डेफिनेटली उनको भी ये बुरा कर्म भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो करवा रहा है उसको तो बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके की, और ये एजुकेटेड लोग कर रहे हैं, हमारे पास इतने फ़ोन्स आ रहे हैं महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर में कि हम वशीकरण करना चाहते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं सुन रही है, मेरी वाइफ नहीं सुन रही, मेरा हस्बैंड नहीं सुन रहा, कुछ ऐसा कर दें, इतना पैसा ले लें कि वो हमारी बात मानने लगे एंड हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, हमारा डिवोर्स होने वाला है वो ठीक कर दें, कुछ ऐसा स्पेल कर दें, कुछ ऐसा वशीकरण कर दें। तो वहीं पे सबसे पहले तो हम समझाते हैं कि हम पहली बात इन तरीके के कामों में नहीं हैं, ये क्लियरली साइट में लिखा हुआ है। दूसरा, आप कहीं और से भी इस तरीके के गलत काम ना कराओ, क्योंकि पहली बात तो ये जितने भी मेथड्स हैं ये ज़्यादा देर तक चलते नहीं, गलत तो है ही, ये तो भुगतना ही पड़ेगा गलत, क्योंकि गलत काम है। उसके बाद अगर कर भी लेते हो इस गलत काम को, तो ये ज़्यादा देर तक 3 महीने 6 महीने चल जाएगा मैक्सिमम, ये मेथड जो मंत्र करवाओगे या वशीकरण करवाओगे, लेकिन उसके बाद दोबारा इस चीज़ को रीस्टार्ट कराना पड़ेगा, दोबारा ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे, दोबारा इस पूरे मेथड से गुजरना पड़ेगा। ये बार बार का चक्कर है, ये एक बार में नहीं होता। पूर्णमासी की रात और अमावस्या की रात को ये प्रैक्टिसेस की जाती हैं, हर महीने रिन्यू की करी जाती हैं काम, इसी चीज़ में फंसे रहोगे ज़िंदगी भर, और ऊपर से जो इंसान के ऊपर ये चीज़ हो रहा है उसके दिमाग में भी ये जो चीज़ है ये बहुत बुरा असर डालती है। कई बार इंसान इस चीज़ से पागल भी होने लगता है, अगर किसी ने बहुत हाई डिग्री का वशीकरण कर दिया तो उसका क्या जाएगा, उस तांत्रिक का, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप सेक्टर के साथ खुद ये एक और नुकसान होगा कि वो इंसान का दिमागी जो संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है कई बार, अगर बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी दे दी गई। तो पहली बात तो ये गलत है, जो नेचुरल चीज़ है उसको नेचुरल तरीके से ही करो। हाँ, अब महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर की साइट में ये ज़रूर लिखा है गेट योर लव बैक, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि हमारा मतलब ये है इस चीज़ का लिखने का कि अगर कोई किसी की लव कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है, किसी का कुंडली मैच नहीं हो रहा है, किसी का मैरिज टूटने वाला है, तो उसका रीज़न फाइंड आउट करना कि ये सब क्यों हो रहा है, उसके लिए हमने केस स्टडी रखी है। तो दोनों जन को अपनी केस स्टडी करानी होगी। अब उसमें लोग पैसा खर्च करना नहीं चाहते, उसमें कहते हैं कि आप लोग हमें बस निवारण बता दें, हम जो है हमें तो पता ही है कि शादी नहीं चल रही है या रिलेशनशिप नहीं चल रही है। अब ये कैसा अजीब सा सवाल है। जाहिर सी बात है कि पहले उस चीज़ की केस स्टडी की जाएगी, उसको डिटेक्ट किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जैसे आप जाते हो मेडिसिन, पहले वो रिपोर्ट बोलता है कि आप टेस्ट कराओ, उसके बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाती हैं उसके बाद दवाई दी जाती है, और दवाई का जाहिर सी बात है अलग से खर्चा होता है। यही चीज़ इसमें भी है,
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता डॉक्टर के पास मेडिकल टर्म्स में जाके मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाके लोग इतना इतना खर्चा कर देते हैं, उसमें क्वेश्चन ही किया जाता कि इतना ज़्यादा चार्ज क्यों हो रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में या कोई जेन्युइन इंसान होगा या ये जो प्रैक्टिसेस हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस, उसमें बहुत सवाल उठते हैं कि नहीं आपका तो ये बहुत महंगा इलाज है, ये तो आपका बहुत महंगे चार्जेस हैं। तो फिर आप ये भी देखो कि आप कहाँ आ रहे हो। कोई जेन्युइन इंसान अगर प्रॉपर तरीके से कर रहा है, प्रॉपर सामग्री लगा रहा है पूजा की और पूरा अपना अपना 100% दे रहा है, तो उसके लिए भी ये उसका काम है, उसका एक अपना सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली वो चार्ज करेगा। वरना आप अगर छोटे मोटे तांत्रिक के पास जाओगे जिनका काम सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है, तो वो तो आपको बोलेंगे ठीक है आपको ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा वापस। और हम कह रहे हैं कि हम ये किसी भी तरीके की गलत प्रैक्टिस लेते ही नहीं है, हम इस चीज़ को ठीक ज़रूर कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई बुरा स्पेल या मंत्र पढ़ा है उसको हम उतार देंगे, और पहली बात तो उसने क्या मंत्र पढ़ा है, क्या उसने प्रोसेस मेथड यूज करा है, ये केस स्टडी में पता चलेगा। तो इसके लिए पहला स्टेप केस स्टडी है। अगर कुंडली नहीं मैच कर रही, कोई प्लैनेट क्लैश हो रहे हैं, कुछ ग्रह क्लैश हो रहे हैं, वो पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह क्लैश कर रहे हैं, तो उसका निवारण हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यंगस्टर्स जो कॉलेज गोइंग हैं या इवन जिनका मैरिज हो रखा है और काफ़ी साल से मैरिज चल तो रहा है, बस जैसे कहते हैं ड्रैग हो रहा है और अब उनका डिवोर्स तक बात आ गई है, तो वो लोग तक मजबूर हो जाते हैं। और ये एजुकेटेड लोगों की बात कर रही हूँ मैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, कॉर्पोरेट हाउसेस में काम करने वाले, कि फिर वो इंटरनेट खोलते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं गेट योर लव बैक, उसमें दुनिया भर की साइट्स निकल के आ जाती हैं जिसमें है कि हाँ हम ये स्पेल कर देंगे, ये मंत्र पढ़ देंगे, आप इतने पैसे दें तो आपका लव वापस आ जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें फंस जाओगे, उल्टा गलत तरीके वो लोग अपनाएंगे, कर्मा साइकिल खराब हो जाएगा टोटल और कुछ नहीं होगा। और हर 3 महीने, हर 2 महीने बाद फिर और पैसे दोगे, फिर ये सब काम करवाओगे। तो ये सब चक्करों में मत पड़ो, ये सब चीज़ें वर्क भी नहीं करती हैं, अच्छी भी नहीं है, और इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो और मेथड है, अब एक बात और है कि ये सब कराने की बजाय जो शुक्र ग्रह होता है, प्लैनेट वीनस, वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिलेशनशिप के लिए, तो उसको चेक कराएं, उसको हम चेक करते हैं केस स्टडी के थ्रू कि कितनी डिग्री में बैठा है, किस प्लेसमेंट में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, क्या बैठा है, वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है। 7वें घर में क्या है मैरिज के, ये सब चीज़ें चेक करनी है, बाकी किसी ने कोई इवन स्पेल तो नहीं किया। तो हमारा मतलब ये होता है गेट योर लव बैक, जो हमारी साइट में भेज दिया है। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये बताना, ये समझाना कि इन गेट योर लव बैक और वशीकरण कराने ये प्रैक्टिसेस गलत हैं, ये ना कराएं। डेफिनेटली किसी ने ये सब गलत प्रैक्टिसेस कराई हैं अगर लगता है तो वो हम उतार देंगे, उसके लिए हमें कांटेक्ट करें। वरना ये गलत वशीकरण कराने के लिए तो बिल्कुल, आई होप इसके बाद हमारे पास कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आए। एटलीस्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग तो हमें इस चीज़ के लिए फ़ोन आई होप ना करेंगे, नहीं करेंगे कि हमें हमारे पे वशीकरण कर दीजिए या हमारे पार्टनर पे वशीकरण कर दीजिए। सही चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट करें हमें तो हम उसके लिए हैं, गलत चीज़ों के लिए हमें कॉन्टैक्ट ना करें। सो थैंक यू, अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि मेन जो पॉइंट समझाना था वो मैं समझा चुकी हूँ। एंड आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा और सही गाइडेंस लेंगे इस वीडियो से और सही तरीके से हमें कॉन्टैक्ट करेंगे अगर कॉन्टैक्ट करना है तो। सो थैंक यू वेरी मच, अब अगले हफ्ते हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।